श्री गणेश वाहेगुरु जी। हेलो फ्रेंड्स, आरडी कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हमने बनाया है पॉप स्टिक। ये देखिए, ये काफी क्रंची है। इसे आप इसका वीडियो पूरा देखिए, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। और मैंने तो इसका नाम पॉप स्टिक रखा है, पर देखिए आप इसका नाम क्या सजेस्ट करते हैं। ये देखिए कितना क्रंची है और अंदर से सॉफ्ट। डिप कीजिए और खाइए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पॉप स्टिक। ये हमारा बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, इसमें कोई ये नहीं है, जब घर की चीजें हैं सारी। सबसे पहले तो मैंने यहाँ लिए 4 छोटे मीडियम साइज के आलू, मैंने उसे ग्रेट कर दिया है। ये गाजर, शिमला मिर्च, और ये मैंने लिए हैं फ्रोजन है कॉर्न एंड मटर। मैंने हल्का बस पानी में इसको निकाल दिया है, एक मिनट माइक्रो करके। अदरक और हरी मिर्च, और आप चाहें तो इसमें प्याज और लहसुन डाल सकते हैं। बट अभी जैसे नवरात्र आ रहे हैं, ये हमारा जो स्नैक्स आइटम है उसे हम स्टोर करके भी रख सकते हैं काफी दिन तक फ्रीजर में, इसीलिए मैं प्याज और लहसुन का यूज नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो प्याज और लहसुन का यूज कर सकते हैं। और ये है ब्रेड क्रम्ब, इतने यूज नहीं होंगे। और ये है कॉर्न, ये आप कॉर्नफ्लेक्स भी ले सकते हैं। ये मैंने लिए है कॉर्न पोहा, कच्चे हैं ये, तले हुए नहीं है। आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने इसमें डाला है एक बड़ा चम्मच ऑयल का, बस ज्यादा ऑयल नहीं डालना है, एक बड़ा चम्मच ऑयल डालना है इसमें। अभी हमारा ऑयल गर्म हो जाए, अभी हमारा ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें हमें हाफ चम्मच जीरे का डालना है। जीरा हो गया, अब इसमें हम डालेंगे अदरक। मैंने अदरक को छीलकर धोकर ग्रेट कर दिया है बारीक कसर से। और अभी इसके बाद इसमें अगर हम चाहें तो अभी हमें प्याज और लहसुन इस वक्त डालना है साथ में, और ये साथ में मैं डाल दूंगी हरी मिर्ची। बस इसे हल्का सा भूनकर बने तो चल। अभी ये सब हमारे लाल हो गए, अभी इसमें हम एक एक करके सब्जियां डालेंगे। ये गाजर, शिमला मिर्च और ये मटर और पॉम। इन सब्जियों को हमको अच्छे से थोड़ा सा सेकना है ताकि इनका सारा पानी निकल जाए। ये देखिए हल्की हल्की हमारा अभी पानी सारा सूख गया है। अभी हमको ना इसको ना ऐसे थोड़ा सा पाव भाजी से ऐसे करना है, दबाना है ताकि ये बांधने वक्त नाश्ता हमको ये बाहर ना निकले। मटर और कॉर्न को दबाना है। ये देखिए हमने मैश कर दिया है, अभी हमें इसमें बॉइल आलू डालना है। आप सब्जियां आलू कम ज्यादा अपने टेस्ट अकॉर्डिंग आप सब चेंज कर सकते हैं। ये आलू बॉईल डाल दिए, ये ब्रेड क्रम डालना है। ब्रेड क्रम अगर आपके पास नहीं है तो आप चावल का आटा, मक्के का आटा, बेसन, कुछ भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। बस हम बाइंडिंग के हिसाब से हम लोग डाल रहे हैं ताकि ये सब चीजें एक साथ बाइंड हो जाए। और अभी हम इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आप हर चीज अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम ज्यादा करके। गरम मसाला, आमचूर पाउडर, काली मिर्ची पाउडर, चाट मसाला और भुना जीरा पाउडर, ये मेरा फेवरेट है। और ये लास्ट सौंफ का पाउडर, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब हम इसे सब मिक्स कर देंगे अच्छे से।
बस अभी मिक्स हो गया, इसमें हरी धनिया डालकर इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देना है हमको। अभी हम ये ठंडा हो गया है हाथ लगाने जितना नॉर्मल रूम टेम्परेचर। ये हम आप शेप कोई भी दे सकते हो, नॉर्मल टिक्की का भी शेप दे सकते हो। मैंने ये स्टिक डालकर लुकिंग वाइज जितना जो चीज अच्छी, आप इसमें पनीर चीज अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। ये देखिए अभी हमको ऐसे ऐसे बनाकर इसको 10-15 मिनट के लिए कम से कम फ्रिज में रखना है पहले। जब तक हमने अपने पॉप्स को अभी फ्रिज में रख दिया 10 मिनट तक वो सेट हो जाए, तब तक हमें आइए सॉस बना देते हैं डिप। सबसे पहले हमें हमारा 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है हमने इसमें। इसमें ये लहसुन डालेंगे बारीक कटी हुई, इसको हल्का सा सॉटे करना है। फिर इसमें साथ ही में प्याज बारीक कटे हुए, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, इन तीनों को हल्का सा पकाना है हमको। ये हल्का गुलाबी हो गया है हमारा प्याज अभी। अब इसको हम गैस को सिम कर देना है स्लो फ्लेम पे। अभी हमको इसमें 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, आप ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हैं, ये रेड चिली सॉस है, 2 चम्मच मैंने ये डाले। और 4 स्पून टमाटो केचप, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, नमक थोड़ा कम ही डालेंगे, सॉसेस में नमक पड़ा रहता है। थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, इसको हमको हल्का सा टर्न करना है। और अभी हम इसको, ये है कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा 1 चम्मच और उसमें थोड़ा सा पानी, अब हमको इसमें वो डालना है। फ्लेम हमको स्लो ही रखनी है और इसको टर्न करना है। हल्का सा नॉर्मल पानी, अभी इसमें हमको ये नींबू का रस है थोड़ा सा, बस इसे देखिए गाढ़ी हो गई। 2 मिनट पकाना है, गैस बंद कर देना है, धनिया डालना है, हमारी डिप तैयार हो गई। अभी हमारी वो रेडी हो गई सॉस। अभी हम इसको, ये हमारे 10 मिनट हमने 10-15 मिनट फ्रिज में रखे, 10-15 मिनट हो गए हैं। अभी ये, अभी हमको एक बाउल लेना है, उसमें 4-5 चम्मच मैदा डालना है, एक स्लरी तैयार करनी है हमको अभी इसकी, 2-3 चम्मच कॉर्नफ्लोर, इसको मिक्स करना है। इसमें हल्का सा नमक, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, अपनी टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये हमने लिया है ब्रेड क्रम, और इसमें ये कॉर्नफ्लेक्स, आप इसको कॉर्न पोहा भी बोल सकते हैं, इसको थोड़ा सा क्रश करके इसमें स्नैक्स में क्रंचीपन आएगा। इन दोनों को मिक्स कर लेना है हमको। और अभी हमको इसमें पानी से घोल बनाना है। ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा पतला भी नहीं, ताकि हमारे स्नैक्स को थोड़ा सा गीला करके फिर हमको क्रंच ऐड करना है इसमें ब्रेड क्रम का और कॉर्नफ्लेक्स का।
ये बन गया है, न ज्यादा पतला न ज्यादा गाढ़ा। अब हमको ये उठाना है, इसमें ऐसे डिप करना है, ये डिप हो गया इसमें, अब इसमें डिप करना है अच्छे से, जैसे इसको पूरा कोट हो जाए, फिर बहुत अच्छा क्रंचीपन आएगा। और आप इसे काफी लंबे समय तक जिप लॉक पन्नी में किसी डब्बे में डालकर, ये देखिए आप इसे फ्रोजन करके रख सकते हैं, जैसे मैकेन के आइटम्स करके रखते हैं वैसे आप फ्रोजन करके रख सकते हैं इसको। ये देखिए डिप किया, ये इसमें डिप किया, इसमें कोट किया, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मैं भी सेम डीप फ्राई करेंगे, सारे होने के बाद इसे डीप फ्राई करेंगे। और इसके हम काफी टाइम आप रिजर्व में रख सकते हो, कोई खराब नहीं होगा आपका, जब मन करे तब खाओ, जब बच्चों को भूख लगे तब आप तल के दो। ये हमारा ऑयल अभी गर्म हो गया, अभी हम इसे डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए आराम से, ज्यादा ओवर गर्म भी नहीं होना चाहिए तेल, इसे जल्दी जल्दी टर्न नहीं करना है, आराम से सिक जाए फिर हम इसे टर्न करेंगे। ये देखिए हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, बस अभी हमें इसे निकालना है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर लग रहा है, क्रंची क्रंची से, ऐसे हम सारे रेडी कर देंगे। ये हम पेपर टॉवल पे निकाल देंगे, इसे कितने बढ़िया लग रहा है देखिए। तो मेरी सिस्टर का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताइए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री गणेश, वाहेगुरु।